है फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में जो लीट एग्जाम 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स इसके पहले हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के सम टिप्स के बारे में जानकारी दिया था लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सब एम से को सॉल्व करेंगे जो आपको हर पेपर में यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लीट एग्जाम के लिए पेपर में बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर किए जाएंगे ठीक है तो सारे यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला वाले वीडियो को अंत तक देखते वीडियो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में नंबर क्वेश्चन समझते हैं इफ द कोशन ऑफ वन प्लस एक्स टू दी देख ऑफ आर विल बी सेवन एट नाइन टेन तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे लीड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं ट्रिपिकल क्वेश्चन ठीक है अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कैसा भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ ठीक है तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस सिलेक्शन में बताया था ए प्लस बी ट्वीटी फोर एन का यहाँ पे जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे तो टी के पावर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टी आर प्लस वन यहाँ पे पद निकालेंगे कैसे तो एन सी आर होता था यहाँ पे ए टू फॉर एन माइनस आर और बी के पावर यहाँ पे आर हो जाता था ठीक है ऐसे यहाँ पे हम फ्रेंड्स यहाँ पे दिया दिया गया आप यहाँ पे टर्म कितना कि वन प्लस एक्स टू दी पॉर ट्वेंटी ठीक है तो वन प्लस एक्स टू दी फॉर ट्वेंटी के यहाँ पे हम क्या करेंगे जनरल टर्म निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पे आइए निकाल देते हैं यहाँ पे कि वन प्लस एक्स टू दी पॉवर ट्वेंटी इसका अगर हम जनरल टर्म निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है किसका तो आर टर्म का ठीक है आर टर्म का फिर निकालेंगे आर प्लस फोर टर्म का ठीक है आइए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे आर टर्म का जैसे यहाँ पे निकालेंगे क्या तो टी आर तो टी आर को कैसे लिखेंगे तो टी देखिए यहाँ पे टी आर माइनस वन फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस वन ठीक है इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इतना हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बराबर क्या हो जाएगा तो एन सी आर एन का मतलब क्या है यहाँ पे ट्वेंटी तो ट्वेंटी सी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या कितनी हो जाएगी तो आर माइनस वन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आर माइनस वन फिर यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तो ए की वैल्यू वन और वन की पावर कितना भी होगा तो वन ही होगा ठीक है कोई मतलब की प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब देखिए हम ए को यहाँ पे मतलब कि साइलेंट कर देंगे ठीक है अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे बी की वैल्यू एक्स है तो एक्स टी दी पावर आर तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो आर माइनस वन ठीक है इतना हो गया कोई दिक्कत नहीं तो अब देखिए यही वाला चीज़ क्या है तो आपको यहाँ पे कोविशेंट निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थ तो टर्म की यहाँ पे जो कोविशेंट होगी कितना हो जाएगी ट्वेंटी सी आर माइनस वन निकल के आ जाएगी ठीक है अब चलिए हम यहाँ पे निकालेंगे आर प्लस फोर्थ टर्म की कोविशेंट चलिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे टी आर प्लस फोर इसको आप कैसे लिखेंगे तो टी आर प्लस थ्री प्लस यहाँ पे वन लिख देंगे ठीक है टी आर प्लस वन लिख लिख देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा तो एन सी आर एन का मतलब यहाँ पे ट्वेंटी सी आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आर प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है समझते रहिए और यहाँ पे ए को यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे क्या कर देंगे साइलेंट कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा एक्स टू दावर आर हो जाएगा ठीक है तो आर की वैल्यू क्या है तो आर प्लस थ्री है

जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पे दो कंडीशन बन के आती है वो क्या है वो यहाँ पे समझिए कि आर प्लस एम इजकल टू एन और जो दूसरी कंडीशन आती है आपका यहाँ पे निकल के आता है आर इजकल टू यहाँ पे एम निकल के आता है ठीक है तो दो कंडीशन यहाँ पे बनती है अगर ऐसा कंडीशन होगा तो तो आइए हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं सबसे हम पहले वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आर प्लस एम इजकअल टू एन करेंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो आर माइनस वन फिर यहाँ पे प्लस एम करेंगे एम का मतलब यहाँ पे ये यह है कि आर प्लस थ्री तो आर प्लस थ्री इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी निकल जाएगी ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा टू आर प्लस यहाँ पे क्या होगा टू इजक्ल टू ट्वेंटी तो टू आर इजकल टू ये हो जाएगा एटीन तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो नाइन ठीक है तो आर बराबर नाइन तो अब देखिए एक तो यहाँ पे आर बराबर नाइन आ गया अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम जब अप्लाई करेंगे तो आर इजल टू तो, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर आर लेंगे तो कोई भी एक आर ले लीजिए तो यानी कि लेंगे आर माइनस वन इजल टू एम करेंगे तो यहाँ तो, पे क्या हो जाएगा तो एम, तो एम बराबर क्या है तो यहाँ पे आर प्लस थ्री है तो यहाँ पे तो देखिए आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए ये अमान्य हो जाएगा ठीक है यहां पे आर की कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो ये आप मान्य हो जाएगा आर बराबर यहां पे क्या होगा तो नाइन वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तो जो भी यहाँ पे देखेंगे यहां पे आर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो का सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या क्वेश्चन समझते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स टू द होल पावर ट्वेंटी को माइनस थ्री फोर एन माइनस वन नॉन ऑफ दिच इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये यह आप यहाँ पे समझिए ठीक है तो देखिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जो कि यहाँ पे लेट एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आइए इस तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इस तो क्वेश्चन को हल करने से पहले एक यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बता देता हूँ जिसके यहाँ पे टिप्स के माध्यम से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखिए ये वाला कंडीशन इसमें अप्लाई होगा तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं कि इन द इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स टू दल पॉर टू द कोविशेंट ऑफ एक्स टू दॉर एन विल बी फोर एन फोर एन माइनस थ्री फोर एन माइनस वन नान ऑफ दिस तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ फार्मूला बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और यही बेसिस फार्मूला यह इसमें लगेगा देख सकते हैं यहाँ पे कि वन प्लस एक्स टू दावर माइनस टू ठीक है इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आता है आपका वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की प्लस डाट डा डाट यहाँ पर इन्फाइनाइट तक तो ये यह वाला यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे इसमें अप्लाई होगा ठीक है चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं ठीक है तो चलिए इसको हम सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने से पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखिए कि वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स का पावर कितना है टू इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इंटू होगा वन माइनस एक्स का यहाँ पे पावर यहाँ पे माइनस टू ठीक है तो अभी मैंने दिखाया था उसका यहाँ पे एक्सपेंशन तो वन माइनस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू वाला एक्सपेंशन यहाँ पे लग जाएगा ठीक है तो चलिए वन माइनस एक्स का होल टू पावर माइनस टू का एक्सपेंशन जब करेंगे तो कितना होगा तो ये आपको यहाँ पे एक्सपेंशन याद होना चाहिए ठीक है आइए इसको यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो आता है आपका यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा टू एक्स ठीक है इतना निकल के आएगा अब देखिए इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे वन माइनस एक्स टू दावर माइनस टू का तो कितना निकल के आएगा तो यहाँ पे निकल के आएगा वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ पे, पे एक्स माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस एन एक्स एन माइनस वन फिर यहाँ पे आएगा प्लस आपका एन प्लस वन ठीक है एक्स टू पावर यहाँ पे एन प्लस यहाँ पे डा हो जाएगा ठीक है तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे एक्स टू दि पावर एन को हम क्या करेंगे इसमें कामन ले लेंगे ठीक है सारे टर्म से हम क्या करेंगे एक्स टू पावर एन को यहाँ पे कामन लेते हैं तो कितना बचेगा आपका तो यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स टू दि पावर एन इतना बच गया अब यहाँ पे बचेगा लास्ट में आपका यहाँ पे एन प्लस वन ठीक है फिर यहाँ पे बचेगा टू एन प्लस एन माइनस वन इतना ठीक है अब देखिए इसको हम क्या करेंगे प्लस को हम इसमें ऐड कर लेंगे ठीक है ये वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ये वाला को हम क्या करेंगे प्लस को ऐड करके इसको हम क्या कर काम में लगा देंगे ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप, आपसे क्वेश्चन में क्या पुटअप किया था कि एक्स टू दि पावर एन का कोफिशेंट कौन सा बनेगा यहाँ पे देखिए कि एक्स टू दि पावर एन का यहाँ पे हम कोफिशेंट बनाएंगे तो कितना होगा तो यहाँ पे देखिए वन से वन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एन और दो एन एक एन दो एन और दो एन और दो एन कितना हो जाएगा चार एन एक्स इन यहाँ पे फोर एन यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे फोर एन यहाँ पे बनेगा ठीक है कितना बनेगा तो फोर एन तो फोर एन वाला यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोले जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीन है ठीक है अगर आप क्वेश्चन नंबर थ्री को आप कर लेते हैं तो देख सकते हैं तीन चार पाँच छः लगातार यहाँ पे छः तक क्वेश्चन को आप हल कर ले जाएंगे ठीक है तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिएगा क्या क्वेश्चन कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ वाई टू द पावर माइनस वन बाई सिक्स माइनस वाई टू द पावर वन बाई थ्री का होल टू द पावर नाइन है ठीक है इसका यहाँ पे क्या करना है कि वाई का वो टर्म ज्ञात करना है जो यहाँ पे वाई से यहाँ पे क्या होगा तो मतलब कि इंडिपेंडेंट होगा ठीक है इसके एक्सपेंशन में कौन सा वो शब्द होगा चाहे वो कौन सा पद होगा जो वाई से क्या होगा तो इंडिपेंडेंट होगा यही आपको क्या करना है ज्ञात करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक यहाँ पे मैं यहाँ पे एक जानकारी बता देता हूँ आपको तीसरा का कि अगर आप यहाँ पे एक्स प्लस ए का यहाँ पे एक्सपेंशन जब करेंगे तो कितना आता था तो यहाँ पे आता था आपका टी आर प्लस वन जैसे आता था कितना एन सी आर यहाँ पे आता था कितना कि एक्स के पावर आर और यहाँ पे ए के पावर एन माइनस आर आता था ठीक है इतना आता था कोई दिक्कत नहीं है जब इतना आता था तो हम हमको एक्सपेंशन करना है किसका कि वाई टू दावर माइनस वन बाई सिक्स माइनस वाई टू दावर वन बाई थ्री का होल टू दी पावर कितना है तो नाइन है अब देखिए ये नाइन है ना तो अब इस वाले टर्म को हमको लिखना है टी आर प्लस वन में यानी कि इस वाले टर्म में लिखना है तो कितना निकल के आएगा तो टी एट प्लस वन आ जाएगा ठीक है अब देखिए तो एन सी आर एन सी आर का मतलब क्या है एन का मतलब यहाँ पे क्या है तो नाइन तो नाइन सी आर ठीक है नाइन सी आर अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी तो सबसे पहले ये वाली तो y के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाई सिक्स ठीक माइनस वन बाई सिक्स अब देखिए इसका पावर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे r इंटू माइनस वाई का पावर यहाँ पे वन बाई थ्री का पावर यहाँ पे नाइन माइनस आर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है अब आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस वन का पावर नाइन माइनस आर को इसको में हम क्या कर लेंगे कामन ले लेंगे आइए इसको कामन लेते हैं तो माइनस वन का पावर नाइन माइनस आर को हम कामन लेते हैं तो बचेगा हमारा कितना नाइन सी आर वाई टू पावर माइनस आर टू पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा सिक्स इंटू वाई टू द पावर यहाँ पे ये यह क्या होगा तो एड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एड करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे नाइन बाई थ्री और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई आर ठीक है इतना तो अब देखिए आर का पावर यहाँ पे तीन आ जाएगा आर बाई थ्री हो जाएगा ठीक है अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आइए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा तो वन का पावर यहाँ पे माइनस वन का पावर नाइन माइनस आर यहां पे आएगा नाइन सी आर अब देखिए ये आएगा आपका वाई टू दावर थ्री इसको क्या करेंगे तो थ्री और इसको और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा तो आर का पावर यहां पर थ्री इंटू यहां पे, पे माइनस आ जाएगा तो आर बाई टू इतना आ जाएगा ठीक है और फ्रेंड्स पे ये देखिए कि y से हमको क्या करना है कि इंडिपेंडेंट कराना है इसका मतलब ये है कि y का पावर यहां पे क्या आ जाएगा तो इस वाले टर्म का मतलब यहां पे जीरो आना चाहिए इस वाले टर्म का मतलब यहां पे जीरो आना चाहिए थ्री माइनस आर बाई टू बराबर जीरो तीन दोनों यहां पर छह निकल के आ जाएगी अब देखिए बराबर पे कितना निकल के आ गई तो पे निकल के आ गई अब देखिए तो इसी वाले टर्म को हम क्या करेंगे यहां पे आर प्लस यहां पे एट नहीं रहेगा यहां पे आर रहेगा तो आर प्लस वन यहाँ पे आर बराबर यहां पे कितना निकल के आएगा तो यहाँ पे आर जो होगा तो आर बराबर यहां पे सिक्स प्लस वन कर देंगे तो यानी टी सेवन तो टी सेवन जो आएगा पद वही क्या होगा तो वाई से इंडिपेंडेंट होगा ठीक है तो टी सेवन वाला पद हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है तो टी सेवन वाला पद कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आइए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो टी सेवन इज्वल टू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे सिक्स पुट कर दीजिए तो माइनस वन का पावर यहाँ पे करेंगे तो सिक्स करेंगे तो कितना निकल कर तो थ्री इंटू यहाँ पर नाइन सी आर तो नाइन सी सिक्स इंटूँ इसका तो मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा इसको हम कामा नहीं करते हैं अब देखिए ये कितना आएगा तो माइनस वन ठीक है इंटू यहाँ पे नाइन सी सिक्स तो नाइन सी सिक्स को आइए सॉल्व करते हैं तो कितना निकल जाएगा तो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स अपान एट नाइन इंटू देखिए फैक्टोरियल एन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन अपान में यहाँ पे लिख देंगे कितना तो फैक्टोरियल सिक्स और फैक्टोरियल सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा अब बचे कितना है आपका फैक्टोरियल थ्री तो फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या होता है तो थ्री इंटू टू इंटू वन तो थ्री से थ्री बार में ये कैंसिल आउट होगा और टू से यहाँ पे फोर इसको सॉल्व करेंगे तो तीन चौके बारह सतें चौरासी यानी कि माइनस चौरासी यहां पे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे माइनस चौरासी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना विल भी कितना होगा तो देखिए सेम ही वही यही वाला क्वेश्चन है पांच नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे तो सेम वही वाला क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना सेम वही क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिएगा ठीक है उसी के अकॉर्डिंग छठवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ मार्ड ऑफ एक्स इज लेस देन वन देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना विल भी कितना होगा तो देखिए एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स से कम होगी और एक्स का पावर जो एन है ना उसको हम क्या करना है कोफिशिएंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो कि स्वतंत्र होगा तो यह भी आप कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं अब हम फ्रेंड्स इस पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सातवें के बारे में तो क्वेश्चन नंबर सातवा जो बताने वाला है कि सी वन अपन सी जीरो प्लस टू इंटू सी टू अपान सी वन प्लस थ्री इंटू सी थ्री अपान सी टू प्लस डाट डा डाट डा, यहाँ पे पंद्रह इंटू सी फिफ्टीन अपन में सी फोर्टीन इस क्वेश्चन तो को हल कैसे करेंगे यहाँ पे एक थोड़ी सी यहाँ पे फार्मूला की यहाँ पे आवश्यकता है तो फार्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले वो आप समझिए जो आपका फार्मूला होता है सातवें नंबर का तो सी वन अपान सी जीरो प्लस टू इंटू सी टू अपान सी वन प्लस थ्री इंटू सी थ्री अपान सी टू प्लस डॉट डॉट यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे एन इंटू सी एन अपान में सी एन माइनस वन ठीक है इसका मतलब इसका यहाँ पे पूरा युगफल निकालेंगे एडिशन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला निकल के आता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ठीक है इसी के कारण यहाँ पे यहाँ पे पुट अप कर देना है तो देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो फिफ्टीन है तो जहाँ जहाँ एन है ना वहाँ वहाँ आपको क्या करना है कि फ़िफ्टीन यहाँ पे पुट अप कर देना है आइए ये पुट करते हैं तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस वन अपान टू कितना निकल जाएगा तो फिफ्टीन इंटू ये कितना निकल जाएगा आपका सिक्सटीन अपान टू ये एट बार में कैंसिल आउट तो फिफ्टीन इंटू टेन तो यहाँ पे वन ट्वेंटी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा ठीक है पे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वन ट्वेंटी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे आपका आठवां नौवा और दसवां तीन क्वेश्चन बताएंगे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके यहाँ पे मतलब कि समाप्त हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमसे आपको मिलता रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम